हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे विनीत विलेज ब्लॉग में। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि गांव में बजरी की रोटी, पत्ता गोभी और आलू डालकर उसमें सब्जी बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। मम्मी अभी दोस्तों देखिए आलू को धो रही हैं। आलू को 2-3 बार में धो लेंगे। पत्ता गोभी को मम्मी अब काटने जा रही हैं। देखिए दोस्तों, मम्मी अभी काट रही पत्ते गोभी को। देखिए दोस्तों, हमारी पत्ता गोभी कट चुकी है। अब इसको उबालने के लिए चूल्हे पर रखेंगी। थोड़ा सा पानी उसमें डाल रही हैं। कुकर को कर देंगी बंद और रख देंगी चूल्हे पर। चूल्हे पर अभी रख दिया है। उसके बाद में अभी हल्दी को फोड़ रही हैं। लहसुन, प्याज, अदरक और गरम मसाला, इतनी चीज़ें और डालनी हैं हल्दी पिसने के बाद में। और नमक डालने जा रही हैं अभी। एकदम मस्त मसाला पिसकर तैयार है। प्याज जमा हुआ काट रही हैं मम्मी, एकदम बढ़िया से काट रही हैं मम्मी। लहसुन आटे में थोड़ा सा बेसन डाल लिया। अभी आटा गूंथ कर रख देंगे, तब तक फूल जाएगा। एकदम बढ़िया से आटा हमारा गूंथ चुका है। अब इसको रख देंगे फूलने के लिए थोड़ी देर। हमारा आलू और पत्ता गोभी उबल चुका है, अच्छे से पक चुका है। कोई देर में तब देखो, आलू को छील लेंगे। आलू हमारे छिल चुके हैं और पत्ता गोभी को अभी ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख देंगी। इधर कढ़ाई में तेल को गरम कर रहे हैं, तब तक इधर को इसको निचोड़ लेंगे। इसका पानी जितना है सब निकाल लेंगे। देखे एकदम बढ़िया से निचोड़ गया है, इसका पानी जितना था सब निकल गया है। प्याज और लहसुन तेल में गरम हो चुका था, तेल उसमें डाल दिए हैं पकने के लिए। देखिए इसमें हल्दी डाल दिए हैं लहसुन प्याज पकने के बाद में। हमारा मसाला एकदम बढ़िया से पक चुका है। मसाला पकने के बाद में देखिए अब इसको पत्ता गोभी को डाल देंगे। पहले पत्ता गोभी को डालने के बाद में उसमें थोड़ा सा चला देंगे ताकि हल्दी और पत्ता गोभी आपस में मिल जाएं। अब उसमें आलू फोड़ कर आलू डालने के बाद में उसको भी चला देंगे, आपस में मिल जाएं अच्छी प्रकार से। धनिया को भी उसमें डाल देंगे, भी कहलेंगी और तब तक चलाएंगी जब तक ये कहल नहीं जाए पूरा। हमारी सब्जी बन चुकी है, एकदम स्वादिष्ट बढ़िया। अब इसको नीचे उतार लेंगे। देखिए कितनी स्वादिष्ट है हमारी बजरी की रोटी बनने जा रही है। हमारी तवा पर अभी पड़ चुकी है, थोड़ी देर बाद इसको पलट देंगे। अब इसको रोटी को पलट देंगे। हमारी रोटी निकल आई है, देखिए एकदम बढ़िया से रोटी हमारी तैयार है। अभी दोस्तों मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और जिसको भूख ना लगी हो वो भी 4-5 रोटी खाएगा, इतना अच्छा था। उसकी सब्जी बहुत बढ़िया थी और रोटियां भी अच्छी लग रही थी बजरी की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।